जय हिंद। इस वीडियो में हम इंडियन स्टेट्स में लगने वाले आरटीओ चार्जेज को देखेंगे और देखेंगे कि किस स्टेट में कितने आरटीओ चार्जेज लगते हैं, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आरटीओ चार्जेज पे करने पड़ते हैं और किस स्टेट में सबसे कम आरटीओ चार्जेज पे करने पड़ते हैं। मैं हर महीने आपको जो सीएसडी प्राइस वीडियो देता हूं उसमें कभी भी ऑन रोड प्राइस मेंशन नहीं करता, वो इसीलिए नहीं करता क्योंकि सभी स्टेट्स में आरटीओ चार्जेज डिफरेंट होते हैं। इस वीडियो को देख के आपको पता लगेगा कि किस स्टेट में कितने आरटीओ चार्जेज हैं, तो इससे आप एक प्लान भी कर सकते हैं कि आपका अगर कार लेने का प्लान है तो आपको रजिस्टर करना अपने होम स्टेट में रजिस्टर कराना उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर आप जहाँ पे पोस्टेड है उसके आसपास में रजिस्टर कराओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा कि किस स्टेट में कम आरटीओ चार्जेज आपको पे करने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इंडियन स्टेट्स के आरटीओ चार्जेज। पर उससे पहले सीएसडी में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड सीएसडी प्राइसेज से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए या फिर कार्स से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आरटीओ चार्जेज के अंडर कुछ चार्जेज आते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन चार्जेज जो आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ता है। इसके बाद एचपी चार्जेज होते हैं जो कि अगर आप कार लोन पे ले रहे हैं तो ही आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो यानी अपने अकाउंट से डायरेक्ट पे कर रहे हो तो आपको ये एचपी चार्जेज पे नहीं करने पड़ते। उसके बाद जो नंबर प्लेट चार्जेज है वो 230 से 400 रुपये तक होते हैं, स्टेट टू स्टेट जो डिफरेंट होते हैं। इसके बाद स्टेट डेवलपमेंट चार्जेज या फिर पार्किंग फीस भी होती है, ये सभी स्टेट्स में अप्लाई नहीं होता, किसी किसी स्टेट में होता है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मैं ज़्यादातर ये मेट्रो सिटीज़ में अप्लाई होते हैं चार्जेज जो कि आपको 2000 से लेकर 4000 रुपये तक पे करने पड़ते हैं। इसके बाद आप अगर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए भी आपको 1500 से लेकर 2500 रुपये तक एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको फास्टैग चार्जेज पे करने पड़ते हैं जो कि 500 से लेकर 600 रुपये तक होते हैं। और जो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होता है वो रोड टैक्स का होता है जो सबसे ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो में आगे हम देखते हैं कि किस स्टेट में हमें कितना रोड टैक्स पे करना पड़ता है। सबसे पहले अगर बात करें बी एच सीरीज के लिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कितने चार्जेज पे करने पड़ेंगे, तो आपकी अगर कार की वैल्यू 10 लाख रुपये तक है तो पेट्रोल कार है तो आपको 8% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर डीजल कार है तो 10% और अगर आपकी ईवी है तो आपको 6% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर आपकी कार की वैल्यू 10 से लेकर 20 लाख रुपये है तो आपको पेट्रोल कार पे 10%, डीजल कार पे 12% और ईवी पे 8% चार्जेज पे करने पड़ेंगे। और वहीं अगर आपकी कार की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको पेट्रोल कार पे 12%, डीजल कार पे 14% और ईवी पे 10% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। बट एक बात यहाँ ध्यान रखने की कि जो रोड टैक्स है वो आपका जो एक्चुअल प्राइस है उस पे करना पड़ता नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका एक्सशोरूम प्राइस इनवॉइस होता है उसी पे रोड टैक्स पे करना पड़ता है। बट बी एच सीरीज में जो आपका एक्चुअल प्राइस है यानी आपका जो भी ऑफर है जो अप्लाई होने के बाद जो आपका एक्चुअल इनवॉइस है या फिर अगर आप सी एस डी से कार ले रहे हैं तो जो आपका एक्चुअल इनवॉइस है उसी पे आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो चाहे आप कोई भी कार खरीदे, आपकी कार का बेशक चाहे कुछ भी प्राइस हो, तो आपको सभी कार्स पे 9% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। लेह लद्दाख में 10 लाख प्राइस तक की कार पे 6% रोड टैक्स पे करना पड़ता है और 10 लाख से ज़्यादा के प्राइस की कार पे 9% तक रोड टैक्स पे करना पड़ता है। पर यहाँ पे ये बात अच्छी है कि जो रोड टैक्स है वो आपको कार के बेस प्राइस पे करना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली स्टेट्स में क्या है कि जो एक्सशोरूम प्राइस है उस पर रोड टैक्स पे करना पड़ता है और एक्सशोरूम प्राइस में बेस प्राइस के साथ साथ में जीएसटी और सेस भी इंक्लूड होता है। इसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 15 लाख प्राइस तक की कार पे 9% रोड टैक्स लगता है और 15 लाख से ऊपर के प्राइस की कार पे 11% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। और यहाँ पे भी जो रोड टैक्स है वो कार के बेस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। इसके बाद अगर चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ में 20 लाख प्राइस तक की कार पे 6% रोड टैक्स पे करना पड़ता है और 20 लाख से ऊपर की कार पे 8% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। चंडीगढ़ में डिसेबल पर्सन को 0% रोड टैक्स पे करना पड़ता है और साथ में जो एनजीओ और सोशल वर्कर्स हैं उनको भी कोई भी रोड टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा जो चंडीगढ़ में है जो रोड टैक्स है वो बेस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो 15 लाख से कम प्राइस की कार पे 6% रोड टैक्स पे करना पड़ता है और 15 लाख से ज़्यादा प्राइस की कार पे 7% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। उत्तराखंड में 5 लाख तक की कार पे 8% रोड टैक्स है, 5 से 10 लाख तक की कार पे 9% और 10 लाख से ऊपर की कार पे 10% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा एडिशनल ग्रीन टैक्स भी पे करना पड़ता है, पेट्रोल कार पे 1500, डीजल कार पे 3000 पे करना पड़ता है। और आप अगर सीएनजी कार ले रहे हैं तो आपको कोई भी एडिशनल ग्रीन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में 6 लाख प्राइस तक की कार पे 5% रोड टैक्स है, 6 से 20 लाख तक की कार पे 8% रोड टैक्स है और 20 लाख से ऊपर की कार पे 10% तक रोड टैक्स पे करना पड़ता है। आप अगर हरियाणा में सीएनजी कार लेते हैं तो आपको 20% का रिबेट मिलता है।
दिल्ली में 6 लाख प्राइस तक की कार पे पेट्रोल कार पे 4% और डीजल कार पे 5% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। 6 से 10 लाख प्राइस तक की कार पे पेट्रोल कार पे 7% और डीजल कार पे 8.75% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। और 10 लाख से ऊपर प्राइस की कार है तो पेट्रोल कार पे 10% और डीजल कार पे 12.5% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो आपको कोई भी रोड टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको दिल्ली में एमसीडी फीस भी पे करनी पड़ती है, जो अगर 4 लाख से कम प्राइस की कार है तो 2,000 और 4 लाख से ज़्यादा प्राइस की कार है तो 4,000 रुपये ये जो आपका चार्ज है एमसीडी चार्ज ये आपको पे करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 लाख प्राइस तक की कार पे 8% रोड टैक्स पे करना पड़ता है और 10 लाख से ऊपर की अगर कार है तो उस पर आपको 10% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। बिहार में 8 लाख प्राइस तक की कार पे 9% रोड टैक्स है। 8 से 15 लाख प्राइस तक की कार पे 10% रोड टैक्स पे करना पड़ता है और अगर 15 लाख से ऊपर प्राइस की कार है तो 12% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद बात करें अगर वेस्ट बंगाल की तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप 5 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दोनों का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज आप अगर 5 साल के लिए कराते हैं या 15 साल के लिए तो वो इंजन की सीसी के वाइज होता है, ना कि प्राइस के अकॉर्डिंग। तो जो भी इसके चार्जेज है वो आप अभी पढ़ सकते हैं। मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप अगर ये वेस्ट बंगाल के जो रोड टैक्स हैं वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे रोड टैक्स बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर 900 सीसी तक की कार आप ले रहे हैं तो उस पर केवल आपको 1,000 रुपये रोड टैक्स पे करना पड़ता है। अगर 900 से 1490 सीसी तक की कार है तो आपको 1200 रुपये रोड टैक्स पे करना पड़ता है और 1490 से 2000 सीसी तक की कार है तो 2500 रुपये रोड टैक्स पे करना पड़ता है और अगर 2000 सीसी से ऊपर की आपकी कार है तो केवल 3000 रुपये आपको रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद अगर असम में देखें तो 4 लाख तक की कार पे 5% रोड टैक्स है। 4 से 6 लाख प्राइस तक की कार पे 6%, 6 से 12 लाख तक की कार पे 7%, 12 से 15 लाख तक की कार पे 7.5% और 15 से 20 लाख प्राइस तक की कार पे 9% और अगर आपकी कार 20 लाख से ज़्यादा प्राइस की है तो 12% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। और अब अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 3 लाख प्राइस तक की कार पे 2.5%, 3 से 5 लाख तक की कार पे 2.7%, 5 से 10 लाख तक की कार पे 3%, 10 से 15 लाख तक की कार पे 3.5%, 15 से 18 लाख तक की कार पे 4% और 18 से 20 लाख तक की कार पे 4.5% और अगर 20 लाख से ऊपर की कार है तो 6.5% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद नागालैंड में देखें तो काफ़ी सिंपल सा रोड टैक्स है। आप चाहे कोई भी कार परचेज करें किसी भी प्राइस की हो आपको 5% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 3 लाख प्राइस तक की कार पे 3%, 3 से 6 लाख प्राइस तक की कार पे 4%, 6 से 10 लाख तक पे 5%, 10 से 15 तक की जो कार है उस पे 6% और 15 से 20 लाख प्राइस तक की कार पे 7% और अगर 20 लाख से ऊपर कार का प्राइस है तो 8% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद अगर मिजोरम की बात करें तो 800 सीसी तक की जो कार है उस पर 11,250 रुपये रोड टैक्स पे करना पड़ता है। 801 से 1000 सीसी तक की कार पे 12,750, 1001 सीसी से 2000 सीसी तक की कार पे 15,000, 2001 से 3000 सीसी तक की कार पे 17,250 और 3000 सीसी से ऊपर अगर कार है तो 19,500 रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 3 लाख प्राइस तक की कार पे 4,100 रुपये, 3 से 5 लाख प्राइस तक की कार पे 4,800 रुपये, 5 से 10 लाख प्राइस तक की कार पे 6,900 रुपये और 10 से 15 लाख प्राइस तक की कार पे 7,550 रुपये और अगर 15 लाख से ऊपर की प्राइस की कार है तो 8,250 रुपये रोड टैक्स पे करना पड़ता है। मेघालय की बात करें तो 3 लाख प्राइस तक की कार पे 4%, 3 से 15 लाख प्राइस तक की कार पे 6%, 15 से 20 लाख प्राइस तक की कार पे 8% और अगर कार का प्राइस 20 लाख से ज़्यादा है तो 10% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। उड़ीसा में 5 लाख प्राइस तक की कार पे 6%, 5 से 10 लाख प्राइस तक की कार पे 8% और अगर 10 लाख से ऊपर कार का प्राइस है तो आपको 10% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अगर कार का प्राइस 7 लाख रुपए तक है तो 7%, अगर 7 लाख से ऊपर कार का प्राइस है तो 9% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पे भी जो रोड टैक्स है वो कार के बेस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। इसके अलावा आप अगर आपके नाम पे पहले भी एक कार आप खरीद चुके तो और दूसरी कार खरीद रहे तो आपको 3% एक्स्ट्रा रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पे 5 लाख प्राइस तक की कार पे 8% और अगर कार का प्राइस 5 लाख से ज़्यादा है तो 9% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके बाद अगर एमपी की बात करें तो एमपी में आप अगर 10 लाख प्राइस तक की कार लेते हैं तो पेट्रोल कार पे 8% और डीजल कार पे 10% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। कार का प्राइस अगर 10 लाख और 20 लाख के बीच में है तो पेट्रोल कार पे 10% और डीजल कार पे 12% और इसके बाद अगर कार का प्राइस 20 लाख से ज़्यादा है तो पेट्रोल कार पे 14% और डीजल कार पे 16% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं आप अगर एमपी में ईवी परचेज करते हैं तो आपको 4% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। तेलंगाना में 10 लाख प्राइस तक की कार पे 12% और अगर कार का प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो 14% रोड टैक्स पे करना पड़ता है।
इसके बाद अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 10 लाख प्राइस तक की कार पे 12% और 10 लाख से ऊपर कार का जो अगर प्राइस है तो 14% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में आप अगर एक कार पहले ही परचेज कर चुके हैं उसके बाद दूसरी कार अपने नाम पर रजिस्टर करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको 2% एक्स्ट्रा रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। तमिलनाडु में 10 लाख प्राइस तक की कार पे 10% रोड टैक्स पे करना पड़ता है और अगर कार का प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो 15% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर पौंडीचेरी की बात करें तो 5 लाख प्राइस तक की कार पे 8,000 रोड टैक्स पे करना पड़ता है, 5 लाख से 8 लाख प्राइस तक की कार पे 11,000, 8 से 15 लाख प्राइस तक की कार पे 15,000, 15 से 20 लाख प्राइस तक की कार पे 60,000, 20 से 30 लाख प्राइस तक की कार पे 1.1 लाख और अगर कार का प्राइस 30 लाख से ज़्यादा है तो 1.25 लाख रुपीज़ रोड टैक्स पे करना पड़ता है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे कार का प्राइस चाहे कुछ भी हो आप अगर फर्स्ट टाइम अपने नाम पे रजिस्टर करा रहे तो आपको 6% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा और आपके नाम पे अगर एक कार पहले ही ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है और आप सेकंड कार रजिस्टर करा रहे हैं तो आपको 8% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। केरल की बात करें तो 5 लाख प्राइस तक की कार पे 9% रोड टैक्स पे करना पड़ता है, 5 से 10 लाख प्राइस तक की कार पे 11%, 10 से 15 लाख प्राइस तक की कार पे 13%, 15 से 20 लाख प्राइस तक की कार पे 16% और अगर कार का प्राइस 20 लाख से ज़्यादा है तो 21% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं आप अगर केरल में ईवी परचेज करते हैं तो आपको 5% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर कर्नाटका की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड टैक्स कर्नाटका में पे करना पड़ता है, यहाँ पे 5 लाख प्राइस तक की कार पे 13%, 5 से 10 लाख प्राइस तक की कार पे 14%, 10 से 20 लाख प्राइस तक की कार पे 17% और अगर कार का प्राइस 20 लाख से ज़्यादा है तो 18% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो आप रोड टैक्स पे कर रहे हो उसके साथ साथ में आपको रोड टैक्स सेस और इंफ्रा सेस जो कि 11% जो आप रोड टैक्स पर पे कर रहे हो उसका 11% और एडिशनल पे करना पड़ेगा। और अब अगर गोवा की बात करें तो गोवा में 6 लाख प्राइस तक की कार पे 9%, 6 से 10 लाख प्राइस तक की कार पे 11% और अगर कार का प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो 12% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कार का प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी पे करना पड़ता है जो कि 10 लाख से 20 लाख प्राइस तक की कार पे 12,000, 20 से 40 लाख प्राइस तक की कार पे 40,000, 40 से 60 लाख प्राइस तक की कार पे 75,000 और अगर कार का प्राइस 60 लाख से ज़्यादा है तो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर आप 10 लाख प्राइस तक की कार लेते तो सीएनजी पे 7%, पेट्रोल पे 11% और डीजल पे 13% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। अगर 10 लाख से 20 लाख प्राइस तक की कार है तो पेट्रोल पे 12% और डीजल पे 14% रोड टैक्स पे करना पड़ता है और वहीं अगर कार का प्राइस 20 लाख से ज़्यादा है तो पेट्रोल पे 13% और डीजल पे 15% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। दमनदीव और दादरा और नागर हवेली की अगर बात करें तो 10 लाख प्राइस तक की कार पे 2.5% और अगर कार का प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो पेट्रोल कार पे 2.5% और डीजल कार पे 3% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपको एडिशनल ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है जो कि 5 साल के लिए 500 रुपये है। गुजरात में आप चाहे किसी भी प्राइस की कार खरीदें चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो आपको 6% रोड टैक्स पे करना पड़ता है और इसके अलावा जो ये रोड टैक्स है वो भी आपको बेस प्राइस पे करना पड़ता है, यानी एक शोरूम प्राइस पे नहीं करना पड़ता, कार के बेस प्राइस पे जो रोड टैक्स है वो पे करना पड़ता है। इसके अलावा आप अगर इम्पोर्टेड कार लेते हैं तो उसके लिए आपको डबल यानी 12% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। और अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर 800cc तक की आप कार लेते हैं तो पेट्रोल कार पे 6% और डीजल कार पे 8% रोड टैक्स है और वहीं कार का इंजन अगर 800cc से 1200cc तक है तो पेट्रोल कार पे 9% और डीजल कार पे 11% रोड टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर कार का इंजन 1200cc से ज़्यादा है तो पेट्रोल कार पे 10% और डीजल कार पे 12% रोड टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपको एडिशनल सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा जो कि जितना आप रोड टैक्स पे कर रहे हैं उसका 12.5% होगा और इसके साथ साथ में आपको एडिशनल ग्रीन टैक्स भी पे करना पड़ेगा जो कि आपका अगर इंजन की कैपेसिटी 1.5 लीटर से कम है तो 2500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, अगर इंजन की कैपेसिटी 1.5 लीटर से ज़्यादा और 2 लीटर से कम है तो 3500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और वहीं आपके अगर इंजन की कैपेसिटी 2 लीटर से ज़्यादा है तो 5000 रुपये आपको जो एडिशनल ग्रीन टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा साथ साथ में अगर आपका इंजन की कैपेसिटी 2 लीटर से ज़्यादा है और जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी 5 से ज़्यादा है तो आपको और एडिशनल 2500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो अभी आपने देखे इंडियन स्टेट्स में लगने वाले RTO चार्जेज। इसके अलावा आप अगर CSD में अवेलेबल कार्स एंड बाइक्स के हर महीने के अपडेटेड CSD प्राइसेस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर कार से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।